नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो फाइनली यहां पर देखिए, आज जो बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है वो फिर एक हैमर टाइप की एक कैंडल ही यहां पर बनाई हुई है। तो देखिए, हम यहां पर जैसा चर्चा कर रहे हैं 6-7 दिनों से कंटिन्यू, कि बैंक निफ्टी जो है जब तक जो है 31,000 का लेवल 30,950 है 31,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है, तब तक जो है मतलब देखिए बाइंग यहां पर जो है जबरदस्त बाइंग नहीं आया यहां पर आने वाली है। अभी देखिए यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर कंटिन्यू जो है बायर्स जो है इसको नीचे भी नहीं लेकर जाने दे रहे हैं, सेलर यहां पर नीचे लेकर जाना चाहते हैं, बट यहां पर बायर्स बार बार एक्टिवेट हो जा रहे हैं। मींस यहां पर जब भी सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं तो उसकी तुलना में बायर्स यहां पर फिर एक्टिव होकर जो है मार्केट को फिर धकेलकर ऊपर की तरफ ले जाके जो है वहां पर स्टे कर दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए, जो मैंने आपको कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा हूं कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं हम सिर्फ तब तक ही बुलिश हैं, हम जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देंगे तो हम यहां पर बियरिश होने वाले हैं। फाइनली अगर आज यहां पर इस कैंडल को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल ने आज जो है नीचे निकलने की कोशिश की थी, जो है मतलब आज अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आज क्लोज हो जाती तो हम यहां पर मंडे को क्लियर कट सेल जोन में जाने वाले थे, बट यहां पर देखिए बायर्स यहां पर फिर एक्टिवेट हो गए और मार्केट को जो है ऊपर लेकर बंद किया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच एक जो है जबरदस्त युद्ध चल रहा है, बायर्स नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं और बायर्स जो है सेलर्स जो है वो ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। अब देखना यह है कि मतलब यहां पर बायर्स जीतते हैं या फिर यहां पर सेलर्स जीतते हैं। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होती है तो यहां पर सेलर्स की जीत होगी और उसके बाद कंटिन्यू जो है मार्केट नीचे की तरफ आने वाली है, और अगर यहां पर 31,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो यहां पर जो है बायर्स की जीत होगी, उसके बाद कंटिन्यू हम जो ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। तो देखिए कल के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो पर जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं अभी उसी वीडियो को लेकर चर्चा करने वाला हूं। देखिए जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने कल आपको वीडियो में बताए थे, एक्यूरेट वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आज जो है मार्केट में काम किए हैं। चलिए मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं और यहां पर बताऊंगा कि कल की वीडियो में हमने क्या चर्चा की थी। देखिए कल की वीडियो मैंने ये चर्चा की थी कि ये हमारा एक पहला टॉप लगा हुआ है और फाइनली हमको यहां पर मार्केट इस यहां पर मिल चुकी थी। ठीक है, मैं यहां पर ट्रेंड लाइन डिलीट करूंगा और यहां पर आपको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और देखिए मैंने आप लोगों को कल एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करके बताया था और बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ही हमारे लिए इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी फ्राइडे के सेशन में। और आपको क्लियर कट मैंने बताया था कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होगी तो आपको सेल की तरफ चले जाना है। देखिए जैसे सवेरे मार्केट खुली थी 9:15 पे, मैंने 9:20 पर आपको टेलीग्राम चैनल में चार्ट पोस्ट कर दिया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल में देख लीजिए। अगर आपने हम लोगों का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पर मैं कंटिन्यू जो है इंट्राडे में चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन की, मैं वहां पर कौन से ट्रेड ले रहा हूं, यहां पर कौन सा सपोर्ट काम करने जा रहा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, कौन सी ब्रेक डाउन हो रही है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूं। सो अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इंट्राडे का आनंद ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने आपको 9:20 पे यहां पर जो है मतलब क्लियर कट आपको मैंने चार्ट पोस्ट कर दिया था कि यहां पर जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है। और कल के सेशन में मैंने आपको ये बताया था कल की वीडियो में कि यहां पर जैसे हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो हम बहुत तेजी से नीचे गिरने वाले हैं और यहां पर हम जो है सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो फाइनली देखिए यहां पर हमारा सेल साइड का ट्रेड यहां पर एक्टिव हुआ और हमने स्टार्टिंग के दो ट्रेड में ही अपना दिन भर का कोटा पूरा कर लिया था। मींस मान लीजिए अगर हमारा एक लिमिट है, मान लीजिए हमने सोचा होगा कि हम जो लॉस लेंगे वो 10,000 का लेंगे और जो प्रॉफिट लेंगे वो 50,000 का लेंगे। मतलब ये एक एग्जाम्पल है हमारा, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा प्री डिसाइडेड है कि हमारा लॉस 10,000 है और प्रॉफिट 50,000 है तो हमने पहले दो ट्रेड में ही अपना दिन का कोटा पूरा कर लिया था उसके, क्योंकि ये देखिए कैंडले ही आप देखिए यहां पर 15-45 मिनट के अंदर ही यहां पर मार्केट ने, अगर आपने पैसे यहां पर बनाने होते तो यहां पर जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहां पर बना सकते थे, क्योंकि आपको मैंने आपको दोबारा जो है टेलीग्राम में रिमेंबर करा दिया था। अब देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर ये जो लो लगा हुआ है यहां से हम बाउंस बैक करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर ये इस तरह से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। आपको अगर याद होगा उस वीडियो मैंने क्या बोला था, मैंने वीडियो में बताया था कि यहां पर डबल टॉप पैटर्न पहले बना हुआ है। देखिए इस तरह से मैंने बताया था कि ये फर्स्ट बॉटम, ठीक है, ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम, तो हमारे पास दो बॉटम ऑलरेडी है और यहां पर जब मार्केट हमको मिलेगी तो यहां पर थर्ड बॉटम बन रहा होगा, तो यहां पर ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहां पर तैयार हो रहा होगा। सो देखिए यहां पर जो है ट्रिपल बॉटम पैटर्न हमको जो यहां पर देखने को मिला वो हमको नियर अबाउट 10 बजे के आसपास हमको ट्रिपल बॉटम पैटर्न देखने को मिल गया था। इसके बाद हमारी यहां पर जाकर जो है सेलिंग यहां पर एक्टिवेट हुई थी, सॉरी बाइंग यहां पर एक्टिवेट हुई थी। तो देखिए चीजें कितनी सिंपल होती हैं, कितनी आसान होती हैं, अगर आप चीजों को समझ के ट्रेड करें, सोच समझ के करें तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है यार, बिलीव मी, मेरे पे विश्वास करो, पैसा कमाना बहुत ही आसान है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी टेक्निकल एनालिसिस डाटा एनालिसिस और जो है मतलब ऑप्शन की टेक्निक सीख के आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
कॉम्प्लिकेटेड आप लोग बनाते हैं, आप लोग अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, उसमें ये ट्रेंड लाइन घुसा दिया, वो सपोर्ट घुसा दिया, ये लगा दिया, ये अपना इंडिकेटर लगा दिया, वो इंडिकेटर लगा दिया, पांच इंडिकेटर, छह इंडिकेटर, चार्ट तो दिखाई नहीं देता है कि चार्ट कहां पर है हमारा। यार जब तक चार्ट नहीं दिखाई देगा तो आप तक कैसे एनालिसिस करोगे, आप सपोर्ट कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो यहां पर देखिए मेरे कहने का मतलब है चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखिए, अपने एनालिसिस बिल्कुल सिंपल रखिए, सिंपल चीजें ही पैसे बना कर देंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब बहुत सारे इंडिकेटर पैसे बना के देंगे, तो देखिए यहां पर मेरे चार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो मैं सिर्फ एक और एक इंडिकेटर का यूज करता हूं और वो है आरएसआई। अगर आरएसआई को मैं नहीं लगाता हूं तो मैं स्टोकेस्टिक लगाता हूं, बस यही मेरे दो इंडिकेटर है, इसके अलावा मेरा तीसरा इंडिकेटर कोई नहीं होता है। सो यहां पर देखिए चार्ट आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम यहां पर सेल साइड में जाएंगे और यहां पर हमको ऑलरेडी यहां पर दो बॉटम मिले हुए हैं और जैसे ही हमको बैंक निफ्टी यहां पर मिलेगा तो हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहां पर कंप्लीट हो रहा होगा और यहां से हम जो है बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर आप पहला ट्रेड आप यहां पर ले सकते थे, दूसरा ट्रेड आप यहां से बाउंस बैक पे यहां पर ले सकते थे, तीसरा ट्रेड आप जो है देखिए इस जगह ले सकते थे, ये देखिए यहां से जब ब्रेकआउट हुआ तब ले सकते थे, ठीक है। तो ये मतलब बड़े आसानी से आप यहां पर ट्रेड कर सकते थे। अब देखिए अब हमारे लिए कल के लिए मंडे के सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमको ट्रेड करना है, मैं आपको तीन सिनेरियो बताऊंगा। देखिए जो है गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग। अब देखिए मान लीजिए मार्केट यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर या नीचे किसी तरफ तो जाएगी, बिल्कुल लॉजिकली समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब देखिए मैं आपको एक यहां पर सपोर्ट दिखाता हूं, पहले यहां पर देखिए हमारे पास एक ये सपोर्ट है, ठीक है। अब मे बी यहां पर फ्लैट, यहां फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट मान लीजिए यहां पर आती है और यहां से बाउंस बैक कर जाती है। बिकॉज देखिए बाउंस बैक क्यों कर जाती है ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है हमारे पास, ठीक है। तो मे बी यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो हम यहां पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के बारे में, चीजें ध्यान से सुनिएगा, पैसे बनाइए आराम से, ठीक है। मैं यहां पर डेली आप लोगों के लिए एनालिसिस करके देता हूं, देखिए मेरे को तो उससे क्या मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, बट अगर कोई प्रॉफिट बनाए तो उससे अच्छा क्या है, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई प्रॉफिट बनाता है। देखिए आप प्रॉफिट बनाएंगे तो मेरी जेब से लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, आप अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं अपना प्रॉफिट बना रहा हूं, ठीक है। बस यहां पर चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूं, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए, सीखिए, समझिए, सीखने के बाद जो है मार्केट में आइए, बिना सीखे जो है मार्केट में ट्रेड मत करिए, अदरवाइज आप जो है अपने सारे पैसे यहां पर लूज कर देंगे, ठीक है। सो पहले सीखने पर फोकस करिए। अब देखिए यहां पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो देखिए अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में समझाऊं तो देखिए ये चीज ये हमारा सेलिंग जोन है और ये हमारा बाइंग जोन है, बस सिंपल और बिल्कुल क्लियर कट जोन है, ठीक है। यहां पर जब भी मार्केट हमको मिलेगी तो हमारा यहां पर ट्रिपल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा, देखिए फर्स्ट टॉप ये है, सेकंड टॉप ये है और यहां पर ट्रिपल टॉप पैटर्न यहां पर फॉर्म होगा, ठीक है। और जब मार्केट हमको यहां पर मिलेगी तो हमको बाइंग करनी है, मे बी यहां से ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट जो है यहां पर बड़ी बड़ी कैंडले बनाकर हमको इंडिकेट कर चुकी है, हमको इशारा कर चुकी है कि मार्केट गिर सकती है। सो मतलब यहां पर बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, अगर मार्केट आपको यहां पर मिलती हो तो आप यहां पर क्लियर कट सेल करिए, यहां पर बिल्कुल क्लियर कट सेल कर सकते हैं आप, बट यहां पर कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन हो, डाटा एनालिसिस कंफर्मेशन हो या टेक्निकल एनालिसिस कंफर्मेशन हो, इन कंफर्मेशन के बाद ही यहां पर ट्रेड करिए, अदरवाइज यहां से बाउंस बैक हो चाहे ना हो बट यहां से सेलिंग कंफर्मेशन जहां तक मुझको लगता है होनी चाहिए, ठीक है। मे बी यहां से देखिए यहां भी, यहां देखिए मैंने जैसे बताया कि आपको गैप अप ओपनिंग में यहां पर आपको मार्केट मिलती है तो आप सेल के लिए जाइए और यहां पर मार्केट मिलती है तो मे बी यहां से थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक जरूर होगा, ठीक है। सो यहां से आप थोड़ा सा बाइंग के लिए जा सकते हैं और मैंने आपको बताया है कि बाइंग के लिए आप जो है छोटे छोटे प्रॉफिट की तरफ देखिए और सेलिंग में आप जो है लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं, कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई बनते हुए देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम, उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने एनालिसिस आपको करके बताई आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो यहां पर मैं पहले यहां पर बैंक निफ्टी का लगा लेता हूं, ये रहा हमारा निफ्टी बैंक, ठीक है। तो यहां पर चलिए अब हमने एक्सिस बैंक के यहां पर चार्ट खोल लिया है और एक्सिस बैंक के यहां पर देखिए अभी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और फाइनली देखिए अब सपोर्ट पर आने के बाद इसने हैमर कैंडल बना दी है। अब हमको क्या करना है, हमको अब मंडे के सेशन में बाइंग करनी है, कब बाइंग करनी है, 612 रुपए के ऊपर निकलता है तो हमने यहां पर बाइंग करनी है, टारगेट हमारा 620 और 630 रुपए होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक, तो बंधन बैंक देखिए अभी तक अभी भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है और ट्रेंड लाइन के आसपास ही देखिए फिर इसने जो है एक सपोर्ट पे अधिकतर इस तरह की कैंडल आपको दिखाई देंगे, अगर आप सपोर्ट पे देखेंगे रेजिस्टेंस पे देखेंगे तो आपको इस तरह के कैंडल आपको जरूर दिखाई देंगी। सो यहां पर अभी मे भी यहां बाउंस बैक कर सकता है, 416 रुपए के ऊपर हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम जो है बीच में कहीं बाइंग नहीं करने वाले हैं,
बीच में बाइंग करके आप सिर्फ ट्रैप होंगे। 416 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करिए, और यहां पर अगर 395 रुपए के नीचे निकलता है तो सेल करिए। 395 रुपए के अगर नीचे क्लोजिंग दे देगा तो अगले दिन के लिए भी हमारे यहाँ पर सेलिंग एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर HDFC बैंक। तो HDFC बैंक देखिए, फाइनली देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था कि मे भी यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से देखेंगे तो एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर जो है एक रेंज थी। तो रेंज देखिए, ऊपर नीचे का रेंज टेस्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर का रेंज टेस्ट हुआ, नीचे आया, नीचे का रेंज टेस्ट हुआ, ऊपर गया। अब मे भी यहाँ से कल भी ये नीचे की तरफ आ सकता है मंडे के सेशन में। ध्यान रखिएगा, 1400 के नीचे अगर क्लोज होता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो आप यहां पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने देखिए अपने सपोर्ट पर फिर एक हैमर कैंडल बना दी है, यहां पर हम बाइंग कर सकते हैं 520 रुपए क्लोजिंग के ऊपर। 520 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर आप क्लियर कट, आप यहां पर 528 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं इंट्राडे में। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो देखिए फाइनली इंडसइंड बैंक ने आज जो है रेंज ब्रेक की है, थोड़ा सा हम देखें ध्यान से तो क्लोजिंग नीचे की तरफ ही मुझको लग रही है। अब यहां पर अगर ये 800 देखिए, यहां पर मैंने आपको क्लियर कट यहां पर बताया हुआ था कि जैसे हम यहां पर 900 के नीचे क्लोज करेंगे तो आप जो है मतलब यहां पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो फाइनली यहां पर जो क्लोजिंग आई है वो 905 की क्लोजिंग आई है। मे बी यहां पर अगर अब ये देखिए जो इसने लो लगाया है वो 888 का लगा, 887 का लगाया है, तो अगर आपने 900 के नीचे क्लोजिंग पे अगर ट्रेड किया होगा तो आप मे बी यहां पर 13 पॉइंट अपने यहां पर बनाए होंगे। अगर यहां पर आप कल जो है मंडे के सेशन में 885 रुपए के नीचे निकलता है तो आप क्लियर कट यहां पर सेल के लिए जाइए, 865 के आसपास, 870 के आसपास यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक भी देखिए कंटिन्यू जो है मतलब देखिए ब्रेकआउट के बाद भी जो है मतलब ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहां पर कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी, सो यहां पर मैं अभी कंफर्म नहीं हूं। जब तक यहां पर कोई बड़ी कैंडल नहीं बन जाती तब तक मैं आप कंफर्मेशन नहीं आएगी। हां मे बी अगर आप यहां पर बाइंग करना चाहते हो 1970 रुपए के ऊपर बाइंग करिए, बीच में कहीं बाइंग मत करिए देखिए, क्योंकि क्लोजिंग यहां पर 1949 रुपए की आई हुई है। तो यहां पर अगर देखिए कल कोई मंडे को ही अगर 1920 के नीचे निकलता है तो आप इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, और 1970 के ऊपर ही बाइंग करनी है, उससे पहले बाइंग नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक ने देखिए फाइनली नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, नीचे कैंडल भी क्लोज इसने कर दी है। अब हम यहां पर 225 रुपए के नीचे क्लियर कट यहां पर सेल के लिए जाएंगे, टारगेट हमारा रहेगा 220 का और यहां पर 215 का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी देखिए अपने फाइनली यहां पर देखिए जो जिस रेंज में ये काम कर रहा था उस रेंज के देखिए अब नीचे की तरफ आया था, सो यहां पर देखिए एक हैमर कैंडल यहां पर फिर बना दी है। मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, यहां पर देखिए एक बुलिश कैंडल बनाई है। तो यहां पर आप देखिए इसका जो हाई लगा हुआ है वो 272 का लगा हुआ है, 272 रुपए के ऊपर मंडे के लिए आप जो है यहां पर बाइंग के लिए जा सकते हैं, टारगेट आपका 275 और 278 रुपए होने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बनाए ये सारी चीजें जो मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूं, जो ये वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप लोगों की हेल्प हो रही है। अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी अगर आपकी हेल्प हो रही हो इन वीडियो से या फिर ये जो मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूं, तो हिट द लाइक बटन, आप जो लाइक बटन जरूर प्रेस करिए आप लोगों की अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो। सेकंड, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपको मेरे पर्सनल ट्रेड चाहिए जो ट्रेड मैं अपने ऑप्शन ग्रुप में देता हूं, तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं अलायंस ब्लू में, एंजल ब्रोकिंग में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां से आपको मेरी पर्सनल कॉल्स मिला करेंगी। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।